finally I am vaccinated. अबे तेरी भी लगानी वैक्सीन, स्लॉट बुक कर दे तेरा. हेलो डाइट, अब मुझे बहुत ज्यादा थत्ते लाने हैं. हाय मल दिया. सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल. तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे. सो वेलकम टू न्यू व्लॉग गाइज. ओके, जैसे कि मैंने आपसे कल के व्लॉग में कहा था कि आज मुझे और मेरी मम्मी को वैक्सीन लगने वाली है, तो सीन ये था कि हम दोनों का टाइम एक ही स्लॉट होता, मतलब 3 से 5 बजे का स्लॉट मिला है. बट जो राधा स्वामी सत्संग भवन है वो मेरे घर के पास ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए, क्या पता अभी लग जाए. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अभी लग जाए, तब मैं मम्मी को शाम को लेके चल जाऊँगा. बट देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या सीन बनता है. और वैक्सीन अगर लग जाती है तो आपसे अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, ही साथ साथ मेरी बहन का भी. तो आपसे सब बताएंगे, जो भी है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे. तो फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है. लग जाती तो अच्छा है, वरना फिर शाम को तो लगनी है, तो देखते हैं, चलते हैं फिर. तो गाइस लगभग वैक्सीन लगे हुए मेरी बहन को होने वाला है, एक दिन ही होने वाला है लगभग. तो यहाँ पर मेरी बहन बैठी है मम्मी के साथ. तो ये बता कि अभी कैसा सीन है, कुछ वैक्सीन लगने के बाद कुछ लगा? नहीं ज्यादा कुछ तो नहीं, बस थोड़ा हाथ में दर्द है, बाकी सब नॉर्मल है. बुखार भी नहीं वैसे तो गाइस, तो सही है, देख रहे हो नॉर्मल ये सब. तो फिलहाल अभी मैं जाता हूँ राधा स्वामी सत्संग भवन में, पता करके आता हूँ क्या सीन है. और आज तो हमारी मम्मी को लगने वाली है वैक्सीन. तो फिलहाल चलते हैं और आपसे डायरेक्ट वहीं मिलते हैं. सो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पर, और ये जो राधा स्वामी सत्संग भवन है इतना ब्यूटीफुल है ना गाइस, इतना ब्यूटीफुल. सच्ची बताऊँ तो ये तो निरंकारी सत्संग भवन से भी बहुत ही प्यारा है, यहाँ के लग रहा है. आहा मजा मस्त एकदम. तब तक हम अंदर जाके पता करते हैं क्या सीन है. लग गई. तो हेलो डाइट, अब मुझे बहुत ज़्यादा थत्ते लाने हैं. हाय मल दिया. सो गाइस फाइनली मुझे वैक्सीन लग गई है, और अंदर मैं 30 मिनट बैठ के भी आ चुका हूँ, और अभी मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा लग भी नहीं रहा कुछ हुआ है. तो अंदर मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि एक ही पर्सन को जाना अलाउड था, तो ये बाहर ही बैठी थी. और यहाँ पर जो राधा स्वामी सत्संग भवन है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट है, बिल्कुल एकदम सेफ़ एंड सिक्योर. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इस बात के लिए यहाँ के लिए थम्स अप है. गाइस यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, मतलब यहाँ अंदर आके लगेगा आपको क्या प्रॉपर मेंटेनेंस है, इतनी प्यारी हरियाली है ना. आपको मैं सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ और आप इंजॉय करो. इतने छोटे छोटे आम के पेड़ इतने सारे लगे हैं ना, और सब पे इतने बड़े बड़े आम है भयंकर, इतने प्यारे लग रहा है ना, अंदर से जी ललचा रहा है, मन कर रहा है खा लूँ निकाल के. बट तो फिलहाल गाइस हम घर निकल रहे हैं यहाँ से, और क्योंकि आज शाम को मम्मी को भी लगवाना है वैक्सीन, तो प्रॉपर यहाँ पर टाइम से चलते हैं घर. और लिटरली बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी, मज़ा आ गया यहाँ वैक्सीन लगा के, सच में मुझे मज़ा आ गया. एक घंटा हो गया लगभग, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर और ज्यादा एनर्जी आ गई है अभी, मेरे को सच में ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या लगा दिया मुझ पे भाई. तो गाइस फिलहाल अभी जब मैं वहां से निकल रहा था थोड़ी देर, तो हल्की सी मुझे आँख खुजली सी हो रही थी, पर अभी घर जैसी घर आया वैसे ठीक होगी. तो देखते हैं जो भी होगा, आपके साथ एक्सपीरियंस तो शेयर करते रहेंगे अपना. फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, लंच करता हूँ, और उसके बाद मम्मी को ले भी तो लेके जाना है. आज आपको भी तो लग रही है वैक्सीन, कैसे डर लग रहा है? डर तो मेरे सबसे दूर है, मम्मी का एक तो बहुत दूर पड़ गया, राधा स्वामी बेस्ट है एकदम बेस्ट, जो भी आएगा ना वहाँ तो नजदीक भी है, बेस्ट भी था बहुत मेरा, मतलब राधा स्वामी तो मैं देख के इतना मजा आ गया ना अंदर जाके, इतनी प्यारी जगह थी. तो देखते हैं आपका तो गाड़ी का एंड पड़ा है, फिलहाल लंच करते हैं फिर देखते हैं क्या सीन बनता है. Few moments later.
सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:30 और अभी हमारा लंच भी हो चुका है और यहाँ पर मम्मी और मैं रेडी हो गए निकलने के लिए। हमें जाना है घड़ी कैंट, कैंट हॉस्पिटल है ना नाम, कैंट हॉस्पिटल जाना है जो कि घड़ी कैंट में है। तो चलते हैं, हेलो चलो बॉस। हाँ मास्क मास्क, मेरा मास्क कहाँ है, मास्क, चलो फिर। जहाँ मम्मी की वैक्सीन लगी है तो मम्मी सब बढ़िया, कुछ होता नहीं ना दर्द? अभी तो कुछ नहीं हो रहा। चलो आप 30 मिनट वेट करो। सो गाइस यहाँ पर आए हमारे केसी भाई जिन्होंने हमारे स्लॉट बुक करे थे। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। और भैया आए अंकल के साथ? बिल्कुल, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और मतलब यहाँ बैठे हैं अंकल। तो अभी इनको वैक्सीन लग गया है, ये भी फिलहाल 30 मिनट बैठे हुए हैं। मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी वैक्सीन लगवाएं और अपना 100% दें। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे स्लॉट बुकिंग में बहुत दिक्कत हो रही है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे स्लॉट बुक हुआ है। जैसे आपको पता है कि आदि भाई का आज वैक्सीनेशन का काम हुआ और हमारी मामी जी का वैक्सीनेशन का काम हुआ और कल छोटी बहन का हुआ। हमारे स्लॉट बुक करने भैया का बहुत आता है, हमें जो वैक्सीन लगी है उसमें भैया का बहुत बड़ा आता है। तो भैया को दिल से शुक्रिया भैया। अरे नहीं भाई, तो मिलते हैं आपसे फिर, ठीक है? तो कभी घर आएंगे तो ठीक है। ओके भाई। मम्मी को भी वैक्सीन लग गई है फाइनली, तो कैसा लग रहा है अभी आपको बताओ? दर्द हो रहा मेरे तो, दर्द हो रहा आपको? खुजली हो रही, हल्का सा इरिटेशन हुआ था, मुझे भी हुआ था। और ये देखो यहाँ भी मम्मी फूल देख रही है। तो फिलहाल अभी हम घर जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं घर डायरेक्ट और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट घर पे। 2 hours later। सो फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं और देखो हमारे साथ साथ में रॉबिन भी आ चुका है। रॉबिन तेरी भी लगानी वैक्सीन, स्लॉट बुक कर दे तेरा। सो गाइस पता नहीं क्यों अभी बाहर से आए जब तो बहुत ही ज्यादा भूख लग गई थी, है ना मम्मी? हाँ। वैक्सीन से तो नहीं होगा? वैक्सीन से हो रहा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा आपके? तो फिलहाल गाइज अभी यहाँ पे मेरी बहन ने बनाया मस्त भजिया, देख सकते हो, जिन्हें देख के तो मुँह में पानी आ रहा है। तो अभी फिलहाल इन्हें एंजॉय करते हैं फिर आपसे। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं और हमारा डिनर भी हो चुका है। सो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा था कि अभी मम्मी और मैं नॉर्मल फील कर रहे हैं, बस जिस हाथ में ना वैक्सीन लगी है उस हाथ पे हल्का सा दर्द है। मम्मी का भी सेम उसी हाथ पे दर्द है, बट मम्मी को थोड़ा सा भारीपन महसूस हो रहा है क्योंकि इतने दिनों बाद ट्रैवल भी करा है मम्मी ने और थकावट तो हो ही जाती है। तो मम्मी अभी पीसीएम लेके रेस्ट कर रही है। फिलहाल मैं भी सोच रहा हूँ कि पीसीएम ले लूँ और रेस्ट करता हूँ क्योंकि सुबह से ना इतनी ज़्यादा थकावट होगी ना, तो सुबह से घूम रहे हैं। तो बाकी जो भी एक्सपीरियंस होगा आप सबके साथ तो शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए यूँ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशनुमा ज़िंदगी बिताते रहें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए Bye.